वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुपका सितारा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम बात करेंगे बयाना रवि के हवाले से, और अगर हमें उसके हवाले से कोई एग्जांपल या कोई मिसाल देनी है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन या बढ़कर मिसाल और किसकी हो सकती है, जिनके लिए तो जन्नत से खाने उतर सकते थे ज़मीन पर, जिनके लिए खुदा महलात दे सकता था, लेकिन उन्होंने तमाम आसाइशों से इज्तनाब फरमाया और मियाना रवि का रास्ता इख्तियार किया। इसी पर आज बात करेंगे। तफसीली तौर पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। हमेशा से आपने इनको PTV के सुनहरे दौर में देखा है, एक जाना माना नाम, न्यूज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता, और अभी इनकी जो पहचान है वो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं। आप इनको जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। डॉक्टर फरहाना अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मियाना रवि की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, ख़ासकर जो आज के दौर में हमारा जो तर्ज ज़िंदगी है वो फ्रॉम अ लास्ट डेकेड बहुत तब्दील हो चुका है। सादगी शायद हमसे कोसों दूर चली गई है, और इसकी एक वजह ये भी है कि शायद हम अपने मज़हब से और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनसे भी काफ़ी हद तक दूरी इख्तियार कर चुके हैं, और ये हमारी बदनसीबी ही है। आप क्या इस पर फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझती हूँ मौजू जो है हमारा उसमें बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों को ये हो जाती हैं मियाना रवि के हवाले से कि मियाना रवि शायद सिर्फ ये है कि हम खर्चा कम कर दें, लेकिन मियाना रवि जो हमारे दीन ने हमें बताई है वो एक पूरा निज़ाम ज़िंदगी है जिसको हमें फॉलो करना है, और उसमें ज़िंदगी के हर काम में, हर चीज़ में जो कुछ हम कर रहे हों उसको मियाना रवि जो है उसके साथ लेके चलना है। अच्छा, मियाना रवि वैसे ये एक उर्दू का लफ्ज़ है, जब हम अरबी में बात करते हैं या कुरान के में पढ़ते हैं क्या मियाना रवि के हवाले से हमें क्या बताया गया, तो उसके लिए लफ्ज़ आया वसत या फिर कस्त, और इनका मतलब है एतदाल पसंदी। इन दोनों वर्ड्स को एतदाल पसंदी के ज़ुमरे में लाया जाएगा, और कुरान करीम ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को उम्मत वसत कहा है, यानी कि ये वो उम्मत है जो एतदाल पर कायम है, यानी दीन में भी और अपने तमाम मामलात में भी ये जो है एतदाल को साथ लेके चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में बताया कि वो शख्स कभी भी मोहताज नहीं हो सकता जो मियाना रवि का रास्ता अख्तियार करता है, यानी कि एतदाल से चलता है। कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पे, सूरह अनाम में आया, सूरह आराफ में आया, सूरह बनी इसराइल में आया कि ना तो तुम अपने हाथों को गर्दन से बांध लो और ना ही अपने हाथों को खुला छोड़ दो, यानी इसका मतलब ये है कि ना तो तुम इतने तंगी करो कि कंजूस बन जाओ और ना ही इतना इसराफ करो कि तुम हर चीज़ को लुटा दो, तो अल्लाह को ज़्यादा खर्च करने वाले लोग पसंद नहीं। इस तरह की बहुत सारी आयात हमें कुरान पाक में मिलती हैं, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हमें मैसेज क्या दिया जा रहा है। जब हम कह रहे हैं कि एतदाल पसंदी जो है वो एक पूरे निज़ाम ज़िंदगी का नाम है, तो क्या पूरे निज़ाम ज़िंदगी से हम क्या मुराद लेंगे? अब इस पूरे निज़ाम ज़िंदगी में जैसे एक जगह कुरान ने ये भी कहा कि तुम ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, तुम हमारी ज़मीन को फाड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब ये है कि मियाना रवि तो हमें चाल में भी इख्तियार करनी है, फिर मियाना रवि हमें गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करनी है। चाल की बात हुई तो मैं आपसे शेयर करूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था, एक शख्स बिल्कुल ढीला ढाला और सर नीचे करके ना मुँह झुका के चलता चला जा रहा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने उसको देखा और कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस तरह का रवैया चलने के दौरान एक मोमिन का पसंद नहीं, अपने सर को ऊंचा करके चलो और अपने जो तुम्हारी चाल है उसमें एक वजाहत होनी चाहिए और उसमें एक अच्छा अंदाज़ होना चाहिए, तुमने क्या ढीला ढाला अंदाज अख्तियार किया हुआ है। आपने उसको एक हाथ मार के ना उसकी कमर को सीधा किया एक तरह से, और उसको कहा कि चेहरे को ऊपर करके और मतानियत के साथ और अच्छे अंदाज में चलो। तो गोया हमें दीन ने ये कहा कि अपनी चाल में भी तुम मियाना रवि अख्तियार करो, अपनी गुफ्तगू में तुम मियाना रवि अख्तियार करो इस तरह से कि ना तो बहुत ऊँची आवाज़ से बोलो ना बहुत धीमी आवाज़ से बोलो, बल्कि बड़े एक एतदाल के अंदाज़ में, अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करो, ठहर ठहर के करो। और जैसे आपने आगाज़ में कहा कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन होगा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप इस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाया करते कि गोया एक एक लफ्ज़ लोगों के दिल में उतर जाता, यानी एक एक लफ्ज़ उनको याद हो जाता और आपका पूरा जो बयान होता या पूरी जो गुफ्तगू होती वो लोगों को याद हो जाती। तो इस तरह से आप गुफ्तगू फरमाया करते, तो आपने जो काम किया वो अपनी उम्मत को बताने और सिखाने के
लिए किया। तो चाहे आपके गुफ्तगू का अंदाज़ हो, चाहे आपके चलने का अंदाज़ हो, आपके रहने का अंदाज़ हो, आपके रिश्तों का बरतने का अंदाज़ हो, उसमें भी म्याना रबी का कहा। आप कारोबार कर रहे हो, उसमें भी म्याना रबी अख्तियार करने के लिए कहा। अच्छा, फिर एक चीज़ है इसराफ़, जिसके बारे में कुरान में ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है कि इसराफ़ ना करो, कहा कि खाओ पियो इसराफ़ ना करो। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी खाना पीना बरतना चाहते हैं करें। एक लफ्ज़ है इसराफ़, यानी कि आप एक जायज़ चीज़ के लिए ख़र्चा कर रहे हैं और उसमें आपने ज़्यादा कर लिया। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप गए, आपको ज़रूरत थी दो जोड़े की, लेकिन जब आप बाज़ार गए आपको चार जोड़े पसंद आ गए, आपने चार वो लिए और दो ज़रूरत के लिए छः जोड़े लेकर आ गए, ये है इसराफ़। एक लफ्ज़ है तबज़ीर, जिसके बारे में हमें कुरान बताता है कि ये वो है कि जो गलत चीज़ पर आप खर्च कर रहे हैं, यानी आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं, आप शराब ले रहे हैं, तो ये अब गलत चीज़ है जिस पे आपने खर्चा किया और ये तो बिल्कुल ही हराम है। बिल्कुल बिल्कुल, खर्चे की एक्सट्रीम बताई है ना कि ना तो आपने बहुत ज़्यादा करना है ना आपने बहुत कम करना है, और जो करना है वो भी हलाल करना है, तैयब अंदाज इख्तियार करना है। तो चाहे आपका रहन सहन हो, चाहे आपके उठने बैठने का अंदाज़ हो, आपकी गुफ्तगू हो, आपके रिश्ते हों, आपकी मुआशरत हो, हर चीज़ में आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। डॉक्टर साहिबा, ये जिम्मेदारी उन लोगों पर या उस फर्द पर ज़्यादा नहीं बढ़ती जो कि ब्लेस्ड है, जिसको अल्लाह ताला की बहुत अता है, जिसके बाद बहुत सारी नेमतें हैं? बेशक, उसके ऊपर तो उसको तो फिर बहुत सारे अल्लाह ने उसको तो चुन लिया ना, तो उसको तो ये जिम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करनी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कितनी अच्छी बात हो कि जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हो और वो फिर भी म्याना रबी इख्तियार करे। यानी आपके पास बहुत ज़्यादा है तब भी आप म्याना रबी इख्तियार करें, फिर आपने फरमाया और जिसको कम नवाजा हो वो भी म्याना रबी इख्तियार करे। अब जिसको कम नवाजा हो वो कैसे म्याना रबी इख्तियार करेगा? उसके लिए आपने फरमाया कि वो शोर शराबा ना करे, रोना धोना ना करे कि मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, ये क्या है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी उस पर वो सब्र करे, सही अल्लाह का शुक्र अदा करे कि जो कुछ है रब की तरफ से है। जब हम अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर सब्र और शुक्र सीख लेते हैं ना, उस वक्त हमारा दिल मुतमईन हो जाता है और उस वक्त अल्लाह ताला हमें वहाँ से देते हैं जहाँ से हमारा गुमान भी नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिया है म्याना रबी, उसने भी अख्तियार करनी है, उसके लिए ज़्यादा हुक्म है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ, एक साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिनके बाल बिखरे हुए थे, यानी कंघी नहीं की हुई थी, लिबास भी बहुत कुछ साफ़ नहीं था, लेकिन जब वो आपके पास आके बैठे तो आपने फरमाया कि क्या तुझे रब ने ज़्यादा नवाजा हुआ नहीं है? तो उन्होंने कहा जी बेशक। तो उन्होंने कहा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर उसका इजहार होना चाहिए। अल्लाह को ये हरगिज़ पसंद नहीं कि उसने तुम्हें ज़्यादा दिया हो लेकिन तुम्हारे हुलिये से, तुम्हारे रवैये से उसका इजहार ना हो रहा हो। और आपने उसको वापस भेजा और कहा अपने बाल तरशवा कराओ, लिबास अच्छा पहन कराओ, खुशबू लगा कराओ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई अपनी सीरत में, अपने रवैये में, अपने अमल में म्याना रवी इख्तियार करता है तो ये नबूवत के 25वें हिस्से का एक हिस्सा है। यानी नबूवत का ये एक हिस्सा है, 25वां हिस्सा है म्याना रवी। तो जब आप इसको अख्तियार करते हैं तो गोया नबूवत के एक हिस्से को आप इख्तियार करते हैं। तो जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हुए अपने किरदार में, अपने रवैये में, रवैये की मिसाल इस तरह से है कि हमें ये कहा गया कि हमें बहुत गुस्सा नहीं करना हर बात पर। बहुत से लोग होते हैं बात बात पर गुस्सा करना, चीख कर बोलना, दूसरे को जलील करना, बुरे लफ्ज़ों से मुखातिब करना, ये गुफ्तगू के आदाब नहीं। आपने फरमाया कि जो ये करता है तो गोया वो भी म्याना रवी से आगे बढ़ जाता है। तो गुफ्तगू में भी इस चीज़ का ख्याल रखें, मिलने जुलने में भी, अपने किरदार में भी, अपने रवैयों में भी, तो फिर आप जो हैं एक अच्छे इंसान होते हैं और आप कह सकते हैं कि आप रसूल पाक के मानने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, जब हम म्याना रवी की बात कर रहे हैं तो हम इबादत का भी इसमें जिक्र करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी के तकरीबन हर पहलू को आपने कहा कि गुफ्तगू में भी, चाल ढाल में भी, और अगर आपके पास नेमतें हैं तो तमाम ज़िंदगी के पहलुओं पर ये चीज़ हमारी लागू होती है कि हमने कैसे बैलेंस करके और एतदाल के साथ चलना है, और उसकी एग्जांपल्स हमें मिलती भी हैं हमारे दिन में। अब जब इबादत की बात आती है तो कोई इतना इश्क़े रसूल या इश्क़े इलाही में ना पड़ जाए कि उसमें भी म्याना रवी ना इख्तियार कर पाए, तो इस बारे में क्या अहकाम हैं? एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन लोगों की गुफ्तगू सुनी जो आपस में बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। जब क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दीन की बातें बताया करते थे, उनकी तरबियत की बातें बताया करते थे, या वो ये बताया करते थे कि मैं किस तरह से इबादत करता हूँ, बाज़ वहाँ पूरी रात मैं सजदे में रहता हूँ या इस तरह से, तो एक साहब उनमें से कह रहे थे अब तो मैं सारी रात इबादत करूँगा, मैं बिल्कुल नहीं सोऊँगा। और एक उनमें से कह रहे थे कि मैं तो हर रोज़ रोज़ा रखूँगा और मैं अपने रब को राज़ी करूँगा।
तीसरे साहब कह रहे थे कि बस मैं तो अपनी बीवी के पास भी बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं तो बस अपनी इबादत और इन चीज़ों में ध्यान दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए उनकी गुफ्तगू सुनकर, और आपने फरमाया कि देखो मैं रातों को इबादत भी करता हूँ और मैं आराम भी करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और एक दिन मैं नागा भी करता हूँ, यानी कभी रख लेता हूँ कभी नागे कर लेता हूँ, और मैं अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 अजवाज थी, आप सबके पास जाया करते थे, सबका ख्याल रखते थे और तमाम जिम्मेदारियाँ निभाते थे। तो आपने फरमाया तो मैं तो ऐसा नहीं करता कि मैं सिर्फ दुनिया को छोड़कर और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने में लग जाऊँ, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं है। और आपने उन तीनों सहाबा इकराम को कहा एतदाल इख्तियार करो, यानी तुम रात को जागना चाहते हो जाग लो, लेकिन दूसरी रात सो जाओ, तुम्हारे जिस्म का तुम्हारे ऊपर हक है। तुम रोज़ा रखना चाहते हो रखो। फिर आप फरमाया करते दाऊद अलैहिस्सलाम के जैसा रोज़ा रखो, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखा करते और एक दिन नागा किया करते। फिर आपने फरमाया कि अपनी बीवियों के पास भी जाओ, उनके हुकूक का ख्याल रखो, उनकी जो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है उसको भी लेके चलो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से बढ़कर हमारे लिए और कोई नमूना नहीं है कि जो उसवा आपका था, जो सीरत व किरदार आपसे हमने सीखना है या सीखा है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो गोया हम रब को ही राज़ी कर रहे हैं। रसूल पाक ने जो कुछ किया वो अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक किया, जो कुछ उन्होंने कहा वो जो रब ने कहा वो उन्होंने कहा। तो हम चाहे इबादत के मामलों में लेकर चल रहे हों, माशरत में चल रहे हों, हमें वही करना है जो रसूल पाक ने किया, जो रसूल पाक ने फरमाया और जिस तरह से उन्होंने तरबियत फरमाई। डॉक्टर साहब आप भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और यू नो हम एज ए स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, रवैये सीखते हैं, इखलाक अपने कैसे बेहतर करें, तो हर दिन हम कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। हम म्याना रवि की बात कर रहे हैं आज, एतदाल की बात कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के जो सुनहरे असूल हमारे दीन ने दिए उनको एक बार हम रिमाइंड करें, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी के हर शोबे में हमें अब म्याना रवि का, इत्तेदाल का हमें फुकदान दिखाई दे रहा है? अगर हम लोगों के गुस्से की बात करते हैं तो गुस्से की हालत है तो वो भी हमें एक्सट्रीम दिखाई देती है। अगर हम देखते हैं कि जिन लोगों के पास बहुत सारी नेमतें हैं या बहुत सारे ब्लेस्ड हैं तो उतने ही हम ब्रांड कॉन्शियस हो चुके हैं, उतने ही हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रखते, मस्कीनों यतीमों को हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। मुसलमानियत की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ रमज़ान में ही क्यों मुसलमान होना याद आ जाता है? ये मसले आप भी देखती हैं, इनको नोटिस करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं? बहुत ज़्यादा। इसकी एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हम दीन से दूर हो गए हैं, दूसरी बड़ी वजह ये है कि तरबियत का फुकदान है, और तीसरी बात यह है कि हम सब इस वक्त दौलत की दौड़ में लगे हुए हैं कि हम में से जो जितनी ज़्यादा नुमाइश करेगा वो उतना ही ज़्यादा कामयाब है। ये हमारी सोच है कि हम जितने ज़्यादा दुनियादार होंगे, जितना हम कीमती लिबास पहनेंगे और जितने अच्छे बड़े घर में रह रहे होंगे, जितनी ज़्यादा नुमाइशें करेंगे उतने ही हम कामयाब होंगे, ये हमारा मेयार हो गया है। तो इस वजह से हमने वो तरबियत, वो रसूल पाक की मोहब्बत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो अहकाम, जैसे आपने अभी प्रोग्राम में भी शुरू में कहा कि हम कुरान पाक तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझते, हम उसको उठा के ऊपर रख देते हैं, हम समझते हैं कि हमने अरबी में कुरान पढ़ लिया और सवाब हासिल कर लिया। ये दुरुस्त है कि रसूल पाक ने फरमाया कि अगर तुम अलिफ लाम मीम पढ़ते हो तो अलिफ का सवाब अलग, लाम का अलग और मीम का अलग है, यानी एक एक हरफ के बदले तुम्हें 10-10 नेकियाँ मिलती हैं, लेकिन रसूल ने यह भी तो कहा कि इसको समझो, कुरान के हर पेज पर तदब्बर और गौर व फिक्र करने की बात है, हर लफ्ज़ जगह पर, हर कोई पेज ऐसा नहीं जिसमें ना कहा गया तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो किस्से बयान किए हैं, जो कहानियाँ बयान की हैं, क्या वो हमें सुलाने के लिए बयान किए हैं? नहीं, हमें जगाने के लिए बयान किए हैं कि देखो जब ये हालात थे और ऐसे ऐसे मेरे नबी आए और उनके साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने फिर उनकी उन कौमों के साथ जिन्होंने उनका कहा नहीं माना मैंने ये किया, फिर वो दूसरे लोग आए उन्होंने ऐसा किया मैंने ये किया। सबसे ज़्यादा वाक़ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिलते हैं, फ़िरौन की कौन कौन सी बातें हैं जो अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान नहीं की? तो क्या इसलिए बयान नहीं की कि हम सीखें? रसूल पाक ने बार बार उसकी वजाहत नहीं फरमाई कि देखो ऐसा मत करना वरना तुम ऐसे हो जाओगे? नबियों के जितने तस्करे आए हैं उस हर तस्करे के साथ एक सबक मिलता है, हर कहानी जो उसमें बयान की गई है उसमें एक मैसेज है, वो मैसेज हम क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे कि हम तर्जुमे वाला कुरान ही नहीं पढ़ते। बिल्कुल, और कुरान तो हमें बनाता ही मेरे ख्याल से कि हिस्ट्री का स्टूडेंट है, ज़िंदगी गुजारनी कैसी है वो हमें असूल बताता है, हमें ये कहता है ना कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे लफ्ज़ आए हैं कुरान पाक में,
हम पूरे दाखिल नहीं हुए हैं, काश के हमने वो सिलेक्टेड पोर्शंस ले लिए हैं जिसको हम समझते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हजरत मूसा की और जो हिस्ट्री कुरान हमें सिखाता है, बहुत सारे किस्से वाकयात से यूसुफ अलैहि सलाम से लेकर फिरौन की मिसाल, हजरत मूसा की, हजरत ईसा की, मरियम की, ये सारी कुरान के वाकयात से भरे हुए हैं। लेकिन मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के हवाले से बात करना चाहूँगी कि वो क्या ही दौर होगा और हम सबके जाएं कुर्बान जाएं अपने नबी के, जिन्होंने इतनी शानदार तरबियत की अपने सहाबा की। उम्र की ही मिसाल लेते हैं, हज़रत उमर फारूक की, कि वो क्या लम्हा होगा कि जब हाथ से तलवार गिरती है और कुरान उसी हाथ से उठाते हैं, और क्या जाहो जलाल वाली शख्सियत। तो ये आका के ही अखलाक थे, ये उन्हीं की तरबियत थी और ये उन्हीं की तालीमात थी जिनसे आज हम बदनसीबी कहें, बदकिस्मती कहें, हम कोसों दूर हो चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि ईमान का आला तरीन दर्जा जो है वो अच्छा अखलाक है। अच्छे अखलाक की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान नबियों में और शहदा में शुमार हो जाता है। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अखलाक में सबसे अच्छा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब आपके तमाम अमाल को तौल रहा होगा या नाप रहा होगा या जो भी है, तो वो परवरदिगार जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा भारी चीज़ आपके लिए होगी वो आपका अखलाक होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नबुवत के इजहार से पहले 40 साल गुजारे वो क्या थे? वो आपका अच्छा अखलाक था। अगर आपने उस वक्त तक अपनी नबुवत का इजहार ना करते हुए सादिक और अमीन का लकब हासिल कर लिया था तो आपका अखलाक ही तो था। आपको याद होगा वो वाक्य जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे, एक बुढ़िया जो है वो अपना सामान उठाकर अपने घर से बाहर निकल रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम यहाँ से क्यों जा रही हो? इब्तदाई दौर था, आपका नाम बहुत जो था वो मशहूर हो रहा था कि एक शख्स है और वो बड़ा अच्छा किरदार का है, वो जिससे बातचीत करता है उस पर जादू कर देता है। तो उस बुढ़िया ने कहा कि यहाँ पर एक नौजवान आया है और उसकी गुफ्तगू ऐसी होती है कि जो उसके साथ बातचीत करता है ना वो उस पर जादू कर देता है और वो उसकी बातों में आ जाता है। तो मैं इस इलाके से इसलिए जा रही हूँ ताकि मैं उसकी बात ना कहीं सुन लूँ, और मैं तो जो अपने आबा अजदाद के मज़हब पर हूँ मैं वहाँ से हट कर उसकी बातों में ना आ जाऊँ, ना उसका दीन ना अख्तियार कर लूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस ये कहा कि लाओ मैं तुम्हारा सामान उठा के वहाँ तक पहुँचा दूँ जहाँ तुम जाना चाहती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सारा सामान उठाया, अपने कंधे पर, अपने सर पे रखा और उसके साथ साथ बुढ़िया के साथ चलते रहे ताकि उसको आसानी दे सकें। रास्ते भर बातें करते रहे, अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू करते रहे, अच्छे अखलाक के साथ उसे पेश आते रहे, यहाँ तक कि वो जहाँ जाना चाहती थी वहाँ पहुँच कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान रखा। जब वो सामान रख चुके तो उस बुढ़िया ने कहा, ये तो बताओ नौजवान तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया, मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसके बारे में आपने सुना है कि वो जब गुफ्तगू करता है तो लोगों के ऊपर जादू हो जाता है। तो वो बुढ़िया इतनी मुतासर हो चुकी थी उस वक्त तक आपके अखलाक से कि उसने कलमा पढ़ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को माफ़ करना सिखाया है कि अपनी ज़ुबान को अच्छे अंदाज़ में इस्तेमाल करो, लोगों को माफ़ कर दिया करो। और मैं एक बात कहती हूँ कि पता नहीं लोग क्यों आजकल माफ़ नहीं करते। नहीं, हम तो माफ़ ही नहीं करेंगे। पता है, एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए, जब आप अल्लाह ताला के घर जाते हैं खाना खाबा में, सबसे पहले ही कहते हैं ना, या अल्लाह माफ़ कर दे, बड़े गुनाह करके आया हूँ। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे, अल्लाह आपको कैसे माफ़ करेगा? माफ़ करना तो हमें रब ने सिखाया है ना, फिर रब के हबीब ने सिखाया है, तो हम क्यों नहीं माफ़ कर रहे? वो अपने आप को गफूर रहीम कह रहा है, रहमान कह रहा है, रहीम कह रहा है, जो खुदा की सिफ़त हैं बेशक। तो फिर और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। और फिर सूरह नूर में जिस तरह उसकी वजाहत फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि मैं वो नूर हूँ जो एक ताक में है, और फिर वो ताक में जो है वो शीशे का एक पूरा एक केस है जिसके अंदर वो है, और फिर अल्लाह ताला ने वो तमाम चीज़ें बयान करने के बाद बताया कि जो रब है ना वो बंदे के दिल में रहता है। लेकिन किसके दिल में रहता है? जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में हसद नहीं होता, जिसके दिल में नफ़रत नहीं होती, जिसके दिल में किसी के लिए बुराई नहीं होती। रब उस दिल में रहता है, उस दिल में नहीं रहता जिसके दिल में नफ़रतें होती हैं या बुराइयाँ होती हैं या बुरी सोचें होती हैं। तो जब तक हम अपने दिल को पाक और साफ़ नहीं कर लेते ना, तो रब उस दिल में नहीं आता। अच्छा, हमें उन तमाम बातों से भी गुरेज़ करना चाहिए। हमारे आसपास सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग हमारी ज़िंदगियों में झांक कर देख सकते हैं, जान सकते हैं, हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हम बड़े फ़ख्र से सोशल मीडिया पर, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, अपने बहुत ही महंगे खानों की तस्वीर लगा रहे होते हैं। ख़वातीन शर्म आर महसूस करती हैं जब अगर उनको एक दूसरी बार जोड़ा रिपीट करना पड़ जाए। ये जो एक दौड़ लगी हुई है, इससे वापसी मुमकिन दिखाई दे रही है हमारी ज़िंदगियों में? कहाँ पर हम म्यान रवि इख्तियार किए हुए हैं, या कहाँ पर हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं कि हमारे किसी अमल से किसी शख्स की दिल आज़ारी ना हो, या वो अपने खुदा से शिकवाना कर बैठे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब तुम सालन बनाओ, शोरबा बनाओ,
थोड़ा सा बढ़ा लिया करो ताकि वो शोरबा थोड़ा सा तुम पड़ोस में भेज दो, उसकी खुशबू से उसका दिल ना ख़राब हो जाए। जिसकी खुशबू से दिल ख़राब ना होने पर रसूल पाक ने शोरबा बढ़ाने का हुक्म दिया है और साथ ये कहा है कि पड़ोसी को वो दे भी दो। तो आप सोचिए कि जब हम बहुत बड़े बड़े अपने हसीन घर दिखा रहे होते हैं वीडियोज़ बना बना के, जब हम नए लिबास पहन पहन कर दिखा रहे होते हैं, जब हम अपनी बड़ी बड़ी टेबल्स पे 20-20 खाने सजा कर लोगों को दिखा रहे होते हैं, दूसरी तरफ जो है हम अपने रब को नाराज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि जब वो लोग उसको देख रहे होते हैं, ज़्यादातर वही लोग देखते हैं जिनके पास नहीं होता, और फिर वो कहते हैं कि परवरदिगार ये क्या है। मतलब उनका कहना रब से शिकवा नहीं होता, उनका कहना उस बंदे के लिए शिकवा होता है कि तूने इसको इतना दिया ये बजाय दूसरों को बांटने के ये सिर्फ शो ऑफ कर रहा है। तो हम जब रब से दूर हो जाते हैं ना, जब एक सहाबी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा था ना कि आप मुझे कोई एक चीज़ बता दें बस मैं उस पर कायम रहूँ ना, तो आपने फरमाया तकवा इख्तियार कर लो। तकवा क्या है कि तकवा सिर्फ ये नहीं है कि मैं रब से डरता रहूँ और खौफ खाता रहूँ, तकवा ये है कि मैं हर वो काम छोड़ दूँ जो मेरे रब को पसंद नहीं है। सही। जब आप सिर्फ इस एक चीज़ को अपने दिल में बिठा लेते हो ना, फिर आप कोई गलत काम नहीं करते, आप कोई ऐसा काम नहीं करते कि जिस पे आप करने से पहले आप हमेशा ये सोचते हो ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ ये मेरे रब को पसंद है या ना पसंद है। सिर्फ हाँ और ना के को देखकर आप उसके मुताबिक इख्तियार करते हो, और जब आप तकवा इख्तियार कर लेते हो तो फिर आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें शो ऑफ हो, जिसमें कोई दिखावा हो, या फिर अपनी ज़ात को बड़ा करने के लिए आप कर रहे हो। क्योंकि जिसने अपनी बड़ाई दुनिया में इख्तियार की, अल्लाह ताला आखरत में उसे बड़ाई नहीं देगा। और जिसने अल्लाह की खातिर बहुत ज़्यादा हैसियत वाला होने के बावजूद सादगी अख्तियार की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मैं जन्नत का लिबास क़यामत के दिन उसको खुद पहनाऊंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। मैं भी क्लोज इसी बात से प्रोग्राम को करना चाहूँगी कि हमें लगता है ना कि हम महंगे घर, महंगे खाने, बहुत कीमती लिबास शायद पहन लेंगे तो शायद हम सबसे बेहतरीन लगेंगे, लेकिन आप शायद भूल जाते हैं कि जो मेरा खुदा है, जो मेरा अल्लाह है, उसको तो सादगी कितनी पसंद है। और अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा था उसमें तो ये बात वाजे तौर पर कर दी गई ना, जो कि आज के दौर में मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट हो रही है। तब तो ये कहा गया ना कि किसी अरबी को अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है। तो आज मेरे ख्याल से कि हम उस मिसाल को, उस खुतबे को बिल्कुल भूल चुके हैं और हम बहुत ज़्यादा मालदार होने पर बहुत ही फ़ख्र महसूस करते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की जो मुश्किलात हैं हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि इसमें हमारे आसपास के लोगों का भी हिस्सा है। बहरहाल नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।